सबसे पहले ऑब्स्टिकल को प्लेस करते हैं यहाँ पे। अरे भाई अच्छा खासा बड़ा ऑब्स्टिकल है यार, अच्छा है, दिखने में काफ़ी कूल है, तो इसको मैं एक साथ रखता हूँ, इसको और इसको। ओके फाइन, ओके। सो गाइस पता नहीं मेरे बालों के साथ मेरी कभी नहीं बनती है, फिर से कैसे हो गए हैं, इसको फिर से सेट करना पड़ेगा बहुत जल्द। बट गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सीन है ना अभी मेरे स्क्रीन में, ये मेरा फेवरेट है। हर सीज़न के बाद जब मैं सीज़न बैंक का ये इनसेन ऑसम लूट देखता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। आई हैव नो आइडिया कि मेरे को इतना कम गोल्ड क्यों मिला, इतना नहीं थोड़ा सा कम गोल्ड क्यों मिला, थोड़ा सा कम डार्क एलिक्सर क्यों मिला, आई हैव नो आइडिया। बट जो भी मिला है वो ह्यूज है। आज के वीडियो में इसे इन्वेस्ट करेंगे और आज सीजन पास जो है नया वो भी परचेज करेंगे। एंड गाइज जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि 7 अगस्त, ओके 7 अगस्त तक जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा उनमें आप कमेंट्स कीजिए और मैं 5 गोल्ड पास विनर्स जो है वो पिक करूंगा 7 अगस्त। ओके तो अच्छे से ध्यान से सुन लिया है आपने, आई होप श्योर आप जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और गोल्ड पास जीतने का मौका आपको जरूर मिलेगा। 5 विनर्स मैं पिक करूंगा, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। ओके सो गाइज सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे 3 बिल्डर्स फ्री हैं। लास्ट एपिसोड में हमने क्या किया था, रोड टू टाउन हॉल 13 मैक्स में हमने ये किया था कि कुछ नहीं किया था, सिर्फ मैंने किंग को मैक्स किया था और मैं कुछ कर नहीं पाया था। बट जैसे ही मैंने और 2-1 अटैक्स किए, मेरे पास गोल्ड आ गया था और मैंने अपना ये कैनन को अपग्रेड पर डाल दिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली 2 कैनन्स को अपग्रेड करने वाले हैं, आराम से यार आराम से। ओके 2 कैनन्स को अपग्रेड करने वाले हैं, 2 कैनन्स हो पाएंगे क्या, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, आई विल ट्राई। ओके एंड उसी के साथ ओके सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि मेरे पर्क्स खत्म हो चुके हैं और पर्क्स खत्म होते क्या होते हैं आपको पता है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, फिर भी आई विल ट्राई। ओके तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले गोल्ड पास परचेज करने से। बट एक चीज़ मैं बता दूं गाइज, अगर आप लोग गोल्ड पास परचेज कर रहे हो और अगर आप कोड अड्डा यूज़ नहीं कर रहे हो तो ये गुनाह है और इस गुनाह की कोई भी माफ़ी नहीं है। आपको करना क्या है, मोर सेटिंग्स में जाओ, मोर सेटिंग्स में जाके स्क्रॉल डाउन करो, सपोर्ट एक क्रिएटर में जाके AAA अड्डा कोड ज़रूर अप्लाई करना गाइज, इससे आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा मेरे चैनल को और आपका प्यार भी ऐसे मिलते रहे तो बहुत मज़ा आएगा। तो गाइज आज की वीडियो की लाइक एम भी हम मेंशन कर देते हैं, बस 9600 लाइक्स आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, फटाफट कंप्लीट कर दो और फर्स्ट टाइम आ रहे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अगस्त महीने में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जो मैं आपसे इन फ्यूचर शेयर करता रहूँगा। चलिए गोल्ड पास परचेस करता हूँ, तुरंत वापस आता हूँ, उसके बाद अपग्रेड्स। ओके सो बिंगो गाइज हमारा गोल्ड पास जो है वो परचेस हो चुका है। उसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बहुत ही ऑसम चीज़ जो है फ्री का मिल रहा है आपको, एक डेकोरेशन, वो है एक पीस ऑफ बर्थडे केक, दिखने में काफ़ी ऑसम है। 80 पॉइंट्स जैसे आप कंप्लीट कर लोगे आपको अनलॉक हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इसी वीडियो में मैं 80 पॉइंट्स कंप्लीट कर लूँ, मेरे को तो दिख नहीं रहा है कि कौन से ऑप्शंस में मैं कर पाऊँगा, बट फिर भी आई विल ट्राई। कहीं भी एक बार 80 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं तो डोनेशंस, भाई इतने डोनेशंस करने का तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट फिर भी बहुत जल्द वो आप अनलॉक कर लेना और आप सजा सकते हो कहीं भी। ये बहुत कूल लगा मेरे को फ्री में। लास्ट टाइम आपको पता ही फाउंटेन मिला था हमें सुपर सेल का, ये वाला फाउंटेन सुपर सेल के 10th एनिवर्सरी में, और यहाँ पे हमें क्लैश ऑफ क्लैंस की एनिवर्सरी में एक और फ्री ऑब्स्टिकल मिल रहा है, डेकोरेशन मिल रहा है जो कि ऑसम है। आने वाले टाइम में और भी चीज़ें आने वाली है, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। चलिए तो सबसे पहले हम अपग्रेड से शुरू करते हैं। सबसे पहला अपग्रेड हम करेंगे कैनन को, ये कैनन हमने अपग्रेड पर डाल दिया है, दूसरा कैनन हम अपग्रेड नहीं कर पाएंगे बट आई हैव सम प्लान्स, मैं अटैक करूंगा और उसके बाद हम लोग अपग्रेड करेंगे, ठीक है। एलिक्सिर से हमें क्या करना है, एलिक्सिर का कुछ खास काम मेरे पास पड़ा नहीं है, जो भी काम पड़ा है वो है वॉल्स। चलिए वॉल्स अपग्रेड कर लेते हैं कुछ एलिक्सिर से, बहुत ही एक्सपेंसिव है यार, पर्क्स खत्म होते ही ना दिल में बहुत ज़ोर से लगता है यार, ये एक्सपेंसिव इतने ज़्यादा हो जाते हैं। ओके सो यहाँ पे हमने 4 वॉल्स कर लिए विद यूजिंग द एलिक्सिर और डार्क एलिक्सिर का तो अभी कुछ नहीं करना है। ओके सो यहाँ पे हम कुछ डाल सकते हैं बट अभी क्योंकि आपको पता है CWL बहुत जल्द शुरू होने वाला है, हमारा भी नॉर्मल वॉर चल रहा है, इस वॉर के बाद हम लोग CWL स्टार्ट करेंगे, तो मेरे को अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेटजीज मैं वहाँ पे सुपर ट्रूप सिलेक्ट कर लूँगा। चलिए फटाफट एक अटैक पे चलते हैं और मैं थोड़ा सा गोल्ड लेके आता हूँ ताकि एक और कैनन को अपग्रेड कर पाऊँ और कोशिश करते हैं, मेरे को मुश्किल लग रहा है बट फिर भी कोशिश करते हैं कि बर्थडे जो स्पेशल ऑब्स्टिकल है अगर क्या हम उसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, लेट्स फिगर आउट। ओके सो गाइस बट एक शॉर्टकट मारा है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स जो है वो अनलॉक कर लिए, मैं क्लैन लीव करके ग्लोबल के क्लाइंस में जाके मैंने सीज मशीन डोनेट किया, बहुत इजीली मेरे ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। 10% रिसर्च का बूस्ट हो गया, 10% बिल्डर बूस्ट, ट्रेनिंग यहाँ पे ट्रेनिंग पोशन, बिजर सीजन बैंक और फाइनली हमारा ऑब्स्टिकल। चलिए सबसे पहले ऑब्स्टिकल को प्लेस करते हैं यहाँ पे, अरे भाई अच्छा खासा बड़ा ऑब्स्टिकल है यार, अच्छा है, दिखने में काफ़ी कूल है, तो इसको मैं एक साथ रखता हूँ, इसको और इसको। ओके फाइन, दोनों ऑब्स्टिकल्स बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 8th बर्थडे ऑफ क्लैश ऑफ क्लैंस, काफ़ी कूल है, इसका एक स्क्रीनशॉट बनता है थंबनेल के लिए, मज़ा आएगा। ओके सो गाइज कैसा लगा आपको ये ऑब्स्टिकल, फ्री का है तो बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि इस फ्री का कुछ नहीं मिलता, तो ये इस बार हमें ये देखने को मिला। लास्ट टाइम भी हमें
जो फाउंटेन है वो देखने को मिला था, और पर्क्स क्योंकि मेरा अनलॉक हो चुका है तो मेरा जो कैनन है उसकी भी कॉस्ट रिडक्शन हो गई है, तो यहाँ पे मैं कैनन को अपग्रेड कर लेता हूँ, विच इज़ ऑसम। बीच में मैंने टैग किया था बट मैं रिकॉर्ड का बटन प्रेस करना भूल गया, इस बारे में मेरे को देखना था कि रिकॉर्ड का बटन प्रेस किया है नहीं किया है। मैं एक 3 स्टार करके आया था थोड़ी देर पहले, 8 मिनट्स वो आप देख सकते हो, अच्छा लूट मिला था मेरे को वहाँ पे। एंड एक और अटैक पे जाएंगे हम लोग, क्योंकि मैं लगता है एक और वॉल अपग्रेड कर लूँगा मैं एलिक्सिर से, तो चलिए फटाफट एक तगड़ा सा बेस में सर्च कर लूँ, तुरंत आता हूँ, एक अटैक करते हैं एंड मज़ा आएगा यार। मेरे को लगता है कि एक से ज़्यादा अटैक कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ यहाँ पे ट्रैप्स पड़े हैं जो सस्ते हैं, उसको भी शायद अपग्रेड कर पाऊँ। लेट्स फिगर आउट, पहले बेस सर्च करता हूँ। ओके सो गाइज, हियर वी आर, हमें बहुत ही ऑसम इनसेन लूट मिला यहाँ पे और किसी भी हाल में हम इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट तो है, इतना आसान नहीं होगा ये बेस, बट फिर भी वी विल ट्राई, वी विल गो फ्रॉम दिस साइड। ओके चलो यहाँ पे से वार्डन वॉक शुरू करते हैं एंड एक विजर्ड मैं ड्रॉप करूँ, क्या वैल्यू मिलेगा? नहीं, कोई काम का नहीं आएगा। चलो यहाँ पे एक विजर्ड ड्रॉप करते हैं एंड किंग का है। ओ रे 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 रे, ये क्या हो गया? किंग बिना रीजनरेट होते ही मैं आ गया हूँ, दिस इज नॉट गुड। ओके कोई बात नहीं, चलेगा। यहाँ पे ड्रॉप करते हैं अपने येटीज, ड्रॉप करेंगे अपना वॉलड्रैक। आई विल मिस माय किंग यार, आई विल डेफिनेटली मिस माय किंग। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं बिना किंग के हम क्या उखाड़ सकते हैं। ओके सो फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू फ्रीज दिस एंड दैट। ओके सो यहाँ पे फ्रीज करना पड़ा क्योंकि सिंगल इन्फर्नो टार्स जो है वो बहुत जल्दी टेक डाउन कर लेते एंड बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हमें वहाँ पे। यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, पॉप अप करते हैं वार्डन एबिलिटी, यहाँ पे एक जंप, यहाँ पे एक और रेज क्वीन के साथ ड्रॉप करता हूँ सीज बोल रहा हूँ, रॉयल चैंपियन, मेरा दिमाग ख़राब हो गया इस वक्त, सच बता रहा हूँ मैं। ओके सो गाइज, अभी तक अटैक तो काफ़ी सही जा रहा है बट थोड़ा दिक्कत मे भी हो जाएगा, नहीं होगा? अरे यार बहुत ही आसानी से ये अटैक हो गया, मेरे को तो लग नहीं रहा था विदाउट किंग इतना आसानी से हो जाएगा। मैं श्योर हूँ ये अटैक 3 स्टार है, अभी पता चल गया है मेरे को ये अटैक 3 स्टार है। यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ मैं पॉइजन ताकि ये स्केलेटन्स जो मेरे हीलर्स को हर्ट कर रहे हैं वो ना करें एंड मेरी रॉयल चैंपियन काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, मेरी क्वीन की एबिलिटी बची है, मेरे बहुत सारे येटीज, आई थिंक सारे येटीज बचे हुए हैं, शायद से कोई मरा होगा, आई डोंट नो, मेरे को नहीं लगता कोई भी मरा होगा बट मे बी एक या दो तीन। ओके नहीं, बहुत सारे मर गए, मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। ओके यहाँ पे ड्रॉप करते हैं एक आर्च, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे अपने लून्स को 2 और 2 के कैटेगरी बोल रहा हूँ। ओके यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, एक मिनियन हमारा बचा हुआ है एंड ये विजिट क्या कर रहा है, किस बात? ओके तो ये विजिट जो है इसको एक कंपेनियन चाहिए, ये ले भाई, एक अपना भाई ले ले, दोनों मिलके वॉल तोड़ जाके। ओके सो बहुत ही आसानी से इस बेस को हमने 3 स्टार कर दिया है, थोड़ा दिक्कत मेरे को लग रहा था कि होगा क्योंकि किंग मिस कर दिया था हमने, बट फिर भी बहुत ही आसानी से हो गया। यहाँ पे लास्ट आर्चर को ड्रॉप करते हैं और विजर्ड ने फाइनली वॉल ब्रेक कर लिया है और मूव कर रहे हैं मेरे विजर्ड जो है इस एलेक्सी स्टोरेज की तरफ। बहुत हैवी लूट निकाला है हमने गाइज यहाँ पे, वॉल तो हम डेफिनेटली कर ही लेंगे क्योंकि हमारे पास 70 लाख जो है हमारे पास लूट आ चुका है और क्योंकि पर्क्स मेरे आ चुके हैं तो मेरा कॉस्ट रिडक्शन भी हो गया है। सो यहाँ पे एक वॉल हमारा जो है 54 लाख। ओके 54 लाख का एक वॉल हमने अपग्रेड कर लिया यहाँ पे, दिस इज नाइस। और अब क्या करें हम, एक चीज़ मैं देखना भूल गया कि इस सीज़न क्या क्या रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं हमें, मैंने खरीद लिया ऐसे ही बिना देखे। ओके सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, रूनस मिल रहे हैं, बुक ऑफ एवरीथिंग मिल रहा है इस बार, विच इज़ ऑसम, बुक ऑफ एवरीथिंग मिल रहा है यार, नाइस। ओके सारे रूनस मिल रहे हैं। ओके बिल्डर रूनस नहीं मिल रहे हैं इस बार बिल्डर रूनस नहीं है, कोई बात नहीं। बुक ऑफ हीरो नहीं है, बुक ऑफ फाइटिंग है, मेरे को बुक ऑफ फाइटिंग की ज़रूरत है वैसे, नाइस कोई बात नहीं, सही है। और हर बार की तरह फ्री पास में जो चीज़ें मिलती हैं वही मिल रही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस एक ऑब्स्टिकल आपको मिला। और किंग का स्किन तो मैंने आपको पहले दिखा दिया था, सुपर कूल इनसेन स्किन है, बट टाइम लगेगा स्किन को हासिल करने में अभी हमें फिलहाल। सो गाइस आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, आप लोग ज़रूर गिव अवे में पार्टिसिपेट करो एंड बहुत जल्द हम गिव अवे का विनर डिक्लेयर करने वाले 7th of August। तब तक के लिए मज़े मारो, खेलते रहो एंड कोई भी सजेशन हो तो ड्रॉप करना कमेंट सेक्शन में और बस अपना प्यार दिखाओ यार, लाइक कर देना वीडियो को, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद, बाय। We'll be right back.